students, I hope you all are safe and fine at your places. So this is your computer class, and what we are going to do today is chapter number 6, slide organization in PowerPoint. So we will be starting this chapter today, and in this chapter we will be learning about changing the slide layout. स्लाइड लेआउट, हम डिफरेंट स्लाइड्स पे कैसे चेंज करते हैं, स्लाइड्स कैसे रीअरेंज करते हैं, शफल कैसे करते हैं, ऊपर नीचे आउटलाइन टैब में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में. उसके बाद एडिटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को एडिट कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, उसे डिलीट कैसे करते हैं, और वर्ड आर्ट इंसर्ट करना स्लाइड में. सो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट ऑल दीज things. So for that you need to be on my computer screen so that we can learn more about PowerPoint. हम PowerPoint को और अच्छे से जो है learn कर सकें. So these things we are going to learn today. So students, be with me on my screen. Students, this is a PPT which I have prepared on online education system. Online education system पे I have prepared a PPT. So that is, what is online education system? ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर देयर इन दिस पीपीटी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, आज हम इस पीपीटी के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे. वी विल वर्क विद दैट पीपीटी. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट फॉर यू. सो सबसे पहले इसके अंदर हम करेंगे व्यू टैब के अंदर. We are having three views, normal view, outline view and slide sorter view. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका स्लाइड लेआउट चेंज करना चाहते हैं. अगर हम किसी स्पेसिफिक स्लाइड का जो है लेआउट चेंज करना चाहते हैं, तो what we will do is we will go to slide sorter view. Slide sorter view में we need to select a slide. हमें सबसे पहले वो स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसका हमें व्यू चेंज करना है, लेआउट चेंज करना है. आफ्टर दैट वी विल गो टू होम टैब. होम टैब के अंदर ये स्लाइड जो ग्रुप बना हुआ है, इसके अंदर लेआउट, एंड वी आर हैविंग डिफरेंट लेआउट ओवर देयर. सो हम इनमें से कोई भी एक लेआउट चूज करेंगे. दैट लेआउट विल बी अप्लाइड टू माई स्लाइड. एज यू कैन सी कि जो लेआउट मैंने चूज किया था वही सेम लेआउट मेरा उस स्लाइड पे आ गया है. अगर मुझे इस स्लाइड का लेआउट चेंज करना है, आई कैन चेंज इट एज वेल. यहाँ से जाएंगे होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर लेआउट, एंड नाउ लेआउट ऑफ दिस स्लाइड एंड दिस स्लाइड एज वेल, बोथ द स्लाइड्स आर नाउ चेंज. तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड. इससे हम स्लाइड का किसी और स्लाइड का अगर लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो वी कैन चेंज इट. आफ्टर दैट हमें अगर अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज करना है, वी वॉन्ट the slides. So how we can rearrange the slides? Outline tab के अंदर हम जाएंगे. So view के अंदर, outline view के अंदर हम गए. Outline view के अंदर यहाँ पे मेरी slides है. First one is title slide. Second one is online education system क्या है. Third one is why online education system is important. तो मैं चाहती हूँ कि वाई ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इम्पॉर्टेंट सबसे लास्ट में आ जाए. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट द स्लाइड एंड टेक इट एट द एंड. अब क्या हुआ, मेरी फर्स्ट स्लाइड क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम. सेकंड है व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम. थर्ड वन इज नाउ एडवांटेजेस. फोर्थ वन एडवांटेजेस एंड फिफ्थ वन डिसएडवांटेजेस एंड वाई दैट लास्ट स्लाइड. Why is online education system important? This is if we want to arrange the slides in outline tab. Same यही changes हम slide sorter view में भी कर सकते हैं. Slide sorter view में जाने के बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी slide को जो है rearrange करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो मैं अपनी slide को उठा के बहुत easily rearrange कर सकती हूँ. Any slide can be rearranged. Now first one is online education system हो गया. Second one is advantages and disadvantages. उसके बाद उसकी advantages, disadvantages. Then what is online education system and why it is important. अगर मुझे इसको फिर से shuffle करना है तो मैं फिर से इसको उठा के shuffle कर सकती हूँ. This is how I can arrange my slides in outline view and slide sorter view. Outline view और slide sorter view में मैं इसको कैसे जो है
रीअरेंज कर सकती हूँ स्लाइड को। उसके बाद है मुझे अगर किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना है, मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, आई कैन डू इज आई विल गो टू नॉर्मल व्यू, आई विल गो टू नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू के अंदर वाई इज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, हम इस प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट पे जाके उसको क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे एंड वी कैन एडिट इट। सो दिस इज हाउ वी कैन एडिट द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे किसी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को, मतलब मुझे इस चीज़ को उठा के कहीं और लेके जाना है, आई कैन कंट्रोल, एंड अगर मुझे इसको कहीं और लेके जाना है तो मैं इसको कहीं और पे शफल कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल हेयर कंट्रोल वी, सो आई जस्ट नीड टू ड्रैग ड्रॉप द प्लेस होल्डर, मुझे प्लेस होल्डर को उठा के ड्रैग ड्रॉप करना है। दिस इज हाउ आई कैन जस्ट रीअरेंज द टेक्स्ट, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। सेम एज इफ आई वॉन्ट टू कॉपी द टेक्स्ट, मैं तो टेक्स्ट को वी कैन कॉपी एज वेल, हम टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। सो यू नो द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी एज वेल, प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सो माई टेक्स्ट इज नाउ कॉपीड एंड आई कैन प्लेस इट एनी वेयर इन माई स्लाइड। मैं इसको अपने टेक्स्ट को स्लाइड में कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ। सो दिस इज हाउ आई कैन मूव द टेक्स्ट और हाउ आई कैन मूव द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना या किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना। और अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, सिंपली जस्ट प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करना है, डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है डिलीट हो जाएगा। सिंपली प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं एंड उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर वर्ड आर्ट लगाना है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय टाइटल स्लाइड, अगर मुझे इस पर कोई वर्ड आर्ट देना है तो मैं इस पर कुछ अच्छा सा टेक्स्ट इफेक्ट भी दे सकती हूँ, आई कैन गिव इट वर्ड आर्ट एज वेल। सो हाउ आई कैन गिव वर्ड आर्ट, मैं वर्ड आर्ट कैसे दे सकती हूँ, जस्ट नीड टू गो टू इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन में वर्ड आर्ट ऑप्शन इज देयर, हेयर इट इज वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के अंदर वी आर हैविंग डिफरेंट डिजाइंस फॉर टेक्स्ट, सो एज यू कैन सी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, तो इसके अंदर हम वर्ड आर्ट के अंदर हम इससे मिलता जुलता भी कुछ ढूंढ सकते हैं रिलेटेड टू दैट सेम कलर, बैकग्राउंड कलर जो है हमारा। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज वर्ड आर्ट, हम किसी भी वर्ड आर्ट को चूज कर सकते हैं। फॉर दिस आई नीड टू डिलीट दैट टेक्स्ट, मुझे ये टेक्स्ट को डिलीट करना पड़ेगा एंड एज आई कैन सी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम वर्ड आर्ट मेरा यहाँ पे यूज हो गया, मैं यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट चूज कर सकती हूँ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। दिस इज हाउ आई कैन यूज द वर्ड आर्ट। सो ये तो हो गया वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट चूज करने के बाद नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं दीज आर इन स्मॉल लेटर्स, मैं सभी को जो है कैपिटल लेटर्स में करना चाहती हूँ। व्हाट आई हैव टू डू इज आई नीड टू गो टू होम टैब, होम टैब के ऊपर आई एम हैविंग अ ऑप्शन ओवर देयर, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है दिस वन चेंज केस ऑप्शन, चेंज केस ऑप्शन से मैं कर सकती हूँ। सेंटेंस केस में अगर मैं करूँगी तो क्या होगा, दिस वन सिंपल ऐसे का ऐसे रह जाएगा, एंड उसके बाद लोअर केस में अगर मैं करूँगी तो सारे सेंटेंस लोअर केस में चले जाएंगे, अपर केस में सारे वर्ड्स जो हैं अपर केस में आ गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ जो मुझे इसमें अच्छा लगे आई कैन यूज इट। सो इफ आई एम यूजिंग इट अपर केस, सो वर्ड आर्ट के अंदर जाके मुझे टेक्स्ट का सुंदर सा डिज़ाइन भी मिल गया एंड आई हैव जस्ट यूज इट अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, मैंने इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज भी कर लिया। दिस इज हाउ आई कैन यूज वर्ड आर्ट इन माई टेक्स्ट।
and this word art can be used on any text. For example, if I want to use word art on this slide, I can use word art on this slide as well. What I have to do is insert, word art is there. I can choose any text, like any word art over there. Now it is saying your text here. So I need to just copy the text and I'll put it there. I just need to copy the text. So यहाँ पे हमारे पास पेस्ट ऑप्शन है. हम यहाँ से पेस्ट कीप टेक्स्ट ओनली, यहाँ से मैंने कीप टेक्स्ट ओनली किया. दिस इज ऑल्सो न्यू थिंग, लेट मी टेल यू. फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है यहाँ पे अगर वर्ड आर्ट मुझे अप्लाई करना है, मैंने क्या किया, वर्ड आर्ट लिया. दिस वर्ड आर्ट इज नाउ अप्लाइड टू दिस टेक्स्ट एज वेल. और अगर मुझे वर्ड आर्ट अलग से लेना है, मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई हैव टू डू इज आई जस्ट नीड टू इंसर्ट. मैंने यहाँ पे वर्ड आर्ट लिया, वर्ड आर्ट के अंदर दिस वन आई हैव चूजन, मेरा वर्ड आर्ट यहाँ पे आ गया. अब मुझे इस वर्ड आर्ट का जो मेरा बॉक्स आया है, प्लेस होल्डर आया है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करना है. व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल कॉपी द टेक्स्ट और आई कैन कट द टेक्स्ट, कंट्रोल एक्स, आई विल सिलेक्ट इट एंड यहाँ पे पेस्ट ऑप्शंस में जाके दिस वन लास्ट ऑप्शन कीप टेक्स्ट ओनली. अगर हम फर्स्ट वन करेंगे तो वो क्या करेगा, फॉर्मेटिंग को भी साथ रखेगा. लेकिन अगर हम ये कीप टेक्स्ट ओनली करेंगे तो नाउ माय टेक्स्ट इज ओनली कॉपीड. और अगेन इन होम टैब आई कैन चेंज द case as well of text. So this is how I can change the word art or how I can paste the text only option. उसके बाद है, अगर मुझे कहीं पर text box को insert करना है, I just want to insert a new text box. So insert text box is there. A placeholder will come there and I can insert any text. मैं कोई भी text यहाँ पे insert कर सकती हूँ. अगर मुझे कोई नया placeholder लेके, if I want to insert a text box, मुझे कोई text box insert करना है, what I have to do is I just need to go to insert tab. Insert tab के अंदर text box is there. Text box select करके I just need to click on there. मुझे उसको click करना है. क्लिक करके आई जस्ट नीड टू ड्रैग ड्रॉप इट एंड नाउ इट इज टेक्स्ट बॉक्स. और मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकती हूँ. आई कैन राइट एनी थिंग इन दिस टेक्स्ट बॉक्स. सो दिस इज हाउ आई कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स. सो दिस इज हाउ आई कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स. मैं टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर लिया मैंने. एंड नाउ हाउ वी कैन इंसर्ट शेप्स. हम शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं. वी आर हैविंग डिफरेंट शेप्स इन इट. हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं. दीज आर द लाइन्स शेप, रेक्टेंगुलर शेप्स, बेसिक शेप्स जो हमारी नॉर्मल होती हैं, लाइक वी कैन से स्क्वेयर, ट्राइंगल, ट्राइंगल. यहाँ पे एरोज हैं, फ्लो चार्ट शेप्स हैं, तो स्टार्स हैं. हम इसमें से कोई भी शेप लेना चाहें, वी कैन यूज इट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू चूज स्माइली, आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट द स्माइली एंड so this is how we can insert the shape. हम शेप को भी इंसर्ट कर सकते हैं. दिस इज हाउ शेप कैन बी इंसर्टेड इन अ पीपीटी. सो दीज आर द सम फीचर्स रिलेटेड टू पीपीटी विच यू कैन ट्राई इन योर पीपीटी स्टूडेंट्स. एंड वी विल मीट टूमोरो, वी विल मीट नेक्स्ट वीक, नॉट टूमोरो, वी विल मीट नेक्स्ट वीक विद सम न्यू फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट. टिल द टाइम यू कैन ट्राई इट and make a PPT on any topic. Choose any topic related to your SS
history book from your SST book, from your science book, and prepare a PPT on it. You will get information from your book. Choose any topic, make PPT, try all these options, and you will be loving it. You will be like enjoying it to make the PPT. So bye, students.